प्रणाम भैया। की हाल चाल छे? सब ठीक छे भैया। कहाँ गेल रहे? अपन दिस टांगलो छे। 4 किलो ये गरमा सब्जी बीज के लिए। गरमा सब्जी बीज के लिए? अच्छा, ये गरमा सब्जी के बीज आनलो, एकरा केना लगबै छो? उपचार करै छे। बीज उपचार करी के लगबै छो? बीज कुछ उपचार केना होय छे? हमहुँ सिखतियै भैया, हम नहि जानै छी। घर पर उपचार करबै छै? की लियो घर पर? अइन घर पर करबो? चलो तऽ हमहुँ सिखबै केना बीज उपचार करै छै। नमस्कार दीदी। नमस्कार भैया। ये गरमा सब्जी बीज आबी गेलो छे, ई भैया आइलो छे उपचार सिखल के, ना उपचार करते एरा सिखा दियो, हम खेत जाय छी। ठीक छे, सिखा देबे। गरमा बीज के उपचार सिखै लेलो छे? हां दीदी, चलो उपचार करी सिखा दे छी। चलो दीदी, बतला दे केना की उपचार होय गरमा सब्जी। अच्छा दीदी, गरमा सब्जी के बीज उपचार करे की उद्देश्य छे? ठीक छे भैया, बता दे छी। बीज जनित बीमारी से बचाव होय छे, यानी कि कोनो कीड़ा मकोड़ा जे छे नहि हो लागते बीज में। उपचार करे की हा उद्देश्य? उद्देश्य छे, हाँ। उद्देश्य तो दीदी बतला देलिए, अब अपनो परिचय बता दी थोड़ा। अच्छा बता दी, हमरो नाम श्रीलेखा देवी छे, घर बगवा पड़े छे, नेहा जीविका संघ सहिता समूह कोषाध्यक्ष छिके, सागर जीविका महिला ग्राम संगठन का सदस्य छिके, पोस्ट मीरगंज पड़े छे, थाना भी मीरगंज पड़े छे, जिला पूर्णिया का निवासी छिके हम। गरमा सब्जी के बीज का उपचार करे में सुसुम गरम पानी लागे छे, चलो कर दे के सुसुम पानी। चलो जी, सुसुम गरम पानी कर लेता। अच्छा दीदी, गरमा सब्जी के बीज उपचार करेमे कोन कोन सामग्री लागे छे? जे सामान लागतै एक एक करी के हम बता दी छी। हाँ बता दी दीदी। बता दी छी, ई गरम पानी छिके, हाथ सदै जुकुर होना चाही। आ ई सुस गरम पानी मतलब जितना हाथ बर्दाश्त करना चाही उतने गरम करे छी। हाँ चाही। हाँ, बीज होले, लिवेस्टिन पाउडर होले। लिवेस्टिन पाउडर दीदी ना, एकरो जरूरी पड़े छे। हाँ, ओकर बाद ई डब्बा होले प्लास्टिक का, और बाद ई बेस्टिंग पाउडर जे मिलतै तऽ ई पन्नी तऽ हाथ हम पिन्हिलतै या कि इन्फेक्शन नहि हुआ हाथों में। ई मतलब बेस्टिंग जखनी मिलतै बीज में तऽ ई पोलोथिन हाथ में लगना जरूरी छै ना? जरूरी छै। बेस्टिंग तऽ जहरीला होय छै ने? जहरीला होय छै, एहि लिए पिन्ही लेतै हाथ में ना तऽ अच्छा रहतै। हाँ, तो पोलोथिन लगाना जरूरी छै दीदी। कपड़ा जब 24 घंटा पुरिजतै तब छानै लए। ई सूतियो कपड़ा जरूरी पड़ै छै? सूतियो कपड़ा जरूरी पड़ै छै। ई कद्दू के बीज भेलौ, ई करेला के बीज भेलौ, ई खीरा के बीज भेलौ, ई झिंगा के बीज भेलौ, ई झिंगली के बीज भेलौ। इतना दीदी बीज उपचार करबे? हाँ, इतना बीज उपचार करल छे। ई वेवेस्टिंग पाउडर होले बीज में मिलाय के लिए उपचार करे ले। वेवेस्टिनो पाउडर जरूरी पड़े छे दीदी? हाँ, एकरो जरूरत पड़े छे। ई सुसुम गरम पानी डिब्बा में ढारे छे, ये बीज जे छे ओ सब बीज दीदी एकरे में देबे फूले ना? एकरे में सुसुम गरम पानी में ढारी दे छे और 24 घंटा जे छे एकरा झांपी के राखी दे छे। अच्छा दीदी, सुस गरम पानी में बीज केना डालिए? सुस गरम पानी में बीज ये लिए डाले छे कि जे एकरा कला कला जे फफंदी पड़े छे ओकरा नहि पड़ दे। सुसुम गरम पानी में सुतलो बीज के जगाबे छे। ओ, सुसुम गरम पानी मतलब बीज के जगा के कम करे छे? हाँ, 24 घंटा के लिए ई डब्बा के सुरक्षित जगह पर
रखी दी चौबीस घंटा रखे दीदी हाँ एक छायादार जगह में एक रखी दे ठीक है दीदी हम जाए छी अब चौबीस घंटा के बाद अयबे आगे जो प्रक्रिया छे वो हमरा बता देबे ठीक छे चौबीस घंटा के बाद ठीक छे दीदी नमस्कार दीदी नमस्कार चौबीस घंटा तो होले दीदी अब आगे प्रक्रिया जे छे ओकरा बतला दिए आगे प्रक्रिया हम करी देखाय छी सूती कपड़ा में बीज के छानै छी हाँ तो हम तो सबसे पहले पन्नी तो पिन्ही ले लिए और बाद है यार रेस्टिंग ले छे हाथ में और बाद है साथ एक किलो में दो ग्राम देना छे एक ग्राम या दो ग्राम एक किलो में दो ग्राम एक ग्राम देना छे लेकिन जैसे ये कम छे तो कम मात्रा में देना छे ग्राम या कम मात्रा में देना छे या देख और बाद है यार मिला लेना छे हल्का हाथ से और बाद मिल लो है गले दीदी पल हाथ हम पॉलिथीन गना लगे लिए हाथ में ये जहरीला न होचे वेस्टिंग हाथ में इन्फेक्शन ने होते ओ वेस्टिंग जहरीला आज वही हाथ में पॉलिथीन लगा लिए और बाद है हल्का हाथ से एकरा जैसे वेस्टिंग का मिला ले लिए बीज में आ मिला ले बाद की करे दीदी अभी एकरा फिर जे छे ऐसा बांध बांधी का कपड़ा का ओकरा बाद जे छे ई यहाँ जैसे डिब्बा में बान्ही के एना के राखी देना छे रबा झपनी लगा देना छे चौबीस घंटा जे छे एकरा रहे देबे अखनी ओ बीज जरा मिलाके राखी लियो चौबीस घंटा रहते डिब्बा घंटा रहते यानी कि गर्मी से अंकुरण एकरो आवि जते तब लगाना छे डिब्बा में देला से गर्म रहते ओ अंकुरण आवि से जल्दी ना वही लग डिब्बा में रख ली वही डिब्बा में रख ली छ दीदी गर्मा सब्जी का बीज उपचार करला से की लाभ छे की लाभ छे गरम सुसुम पानी में जे देलिए बीज का ओकरा जे छे फफंदी नै लागै छे ओकरा बाद जड़ से जे बीमारी होय छे ओकरा से बचाव होय छे और मतलब बीज उपचार करला से यह लाभ छे कि फफंदी नै लागै छे और जड़ से लागै वाला कोनो बीमारी नै लागै छे हां दीदी गर्मा सब्जी के बीज उपचार करे में कोनो सावधानी रखे पड़े छे हां सावधानी रखे पड़े छे की सावधानी रखे पड़े छे दीदी पानी ज्यादा गरम नै होना चाहिए सुसुम होना चाहिए सुसुम गरम पानी में चौबीस घंटा बीज का फूले देना छे बीज में वेवेस्टिंग मिला के सूती कपड़ा में बान्ही के डब्बा में दे के चौबीस घंटा रखना छे वेवेस्टिंग मिला के ना पन्नीत या दस्ताना जरूर पिन्हबे वेवेस्टिंग मिलावे सब हाथ में दस्ताना या पॉलिथीन पहनना जरूरी जरूरी छे ई सब सावधानी रखे पड़े रखे पड़े छे हाँ दीदी तो हमरा बतला दे लो गर्म सब्जी के बीज उपचार केना होय छे और सब दीदी कोनो संदेशो दे चाहे छो हाँ देवे हमरो कहे के छै कि इच्छा कि सब दीदी भाई मिली के गर्मा के जे सब्जी खेती करते बीज उपचार करी के गर्मा खेती सब्जी के सबके करना छे तब सबके फायदा होते दीदी तो अपनो कीमती समय निकाली के जे बतेलो हमरा कि गर्मा सब्जी के बीज उपचार केना होय छे एकरा लिए तोरा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमरो तरफ से धन्यवाद।